उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। तो मेरी आंखें आप लोगों को लग रही होंगी, मैं सो के उठा तो मैं सो के ही उठा हूँ, तो अभी भी सो कर उठा मैं। लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को मैंने बताया था जिस तरह के हम लोग पहाड़ी पे जाएंगे, पहाड़ पे। तो अभी सुबह के 7 बजे हैं जी, तो आप पहाड़ पे जा रहे हैं जी कज़नों के साथ। ये नहीं है जी, तंग तंग गलियाँ बहुत ही, जिस तरह लाहौर की तंग गलियाँ इस तरह ही तंग तंग गलियाँ इनकी, छोटी छोटी गलियाँ बिल्कुल। और यहाँ पे गैस भी नहीं है जी, सिलेंडर या लकड़ियाँ लोग जलाते हैं। पहाड़ी जिस पर हमने जाना है, चलते हैं जी, थोड़ा सा रह गया रास्ता। चले जी पहाड़ी, पहाड़ पे। तो अब टांगों में भी दर्द होने लग गई है गाइस, तकरीबन इतना दूर नहीं है, 1 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। देखें जी पहुँच गए तकरीबन, मेरा ख्याल शायद चोटी पे जाना हो हम लोगों को उसकी। ये देखें यहाँ पे बिजली की तारें भी जा रही हैं, बहुत ही प्यारा। जब समझेला में मौसम बहुत प्यारा ही होता है जी, बारिश कभी हो जाती है, कभी बादल बने होते हैं, धूप तो एक दिन ही निकली थी थोड़ी देर के लिए। अभी हमने वो चोटी पे जाना है जी, ऊपर पहाड़ पर। कभी आपको मैं पहाड़ कहता हूँ, पहाड़ी दोनों ही लफ्ज़ होते हैं, पहाड़ भी इस्तेमाल कर लेते हैं, पहाड़ी भी, एक ही बात है मेरे हिसाब में। तो हम पहुंचने वाले हैं, ये देखें जी चलते चलते टांगे रह गई हैं। ये हिम्मत का काम है मेरे हिसाब से, सुबह नाश्ता करके बंदा निकले। अभी तो हम नाश्ता नहीं किया था, हमने सोचा पहले हो आए, तो नाश्ता करने से पहले नहीं जाना चाहिए, नाश्ता करके जाना चाहिए ताकि बंदे में थोड़ी सी हिम्मत हो चलने की। वैसे तो खाली पेट चले जाएगा बेहतर है मेरे हिसाब में, पर अगर हिम्मत हो तो बंदे में फिर खाली पेट चल सकता है, ना हो तो फिर जी नाश्ता करके ज़रूर जाए। हमने जाना था कल शाम को, नहीं जा सके, आपको बताया था जिस तरह की शाम हो गया तो नहीं जा सके। यहाँ से मैं आपको मंज़र दिखाता हूँ, क्या मंज़र नज़र आ रहा है देखें जी, कितनी ऊंचाई पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से, वहाँ पर ही है घर, क्योंकि अभी सुबह सूरज नहीं निकला इसलिए वहाँ से इस तरह आ रहा धुंध है, वो उस तरफ घर हैं जी सारे। कौन से पत्थर हैं अगर आप लोगों को पता है कमेंट में ज़रूर बताएं। पहाड़ पर अक्सर यही होते हैं, ये देखें हर जगह पे इस तरह के छोटे छोटे पड़े हैं, कलरफुल, कितने प्यारे लग रहे हैं, इस तरह लग रहा है खेलने वाली कोई चीज़ है। ऊपर आ चुके हैं जी, तो अब हम और ऊपर जा रहे हैं चलते चलते। वो हम काफ़ी नीचे से आए थे, जहाँ पे वो मेरा घर है उधर से चलते आ रहे हैं, अब टांगे थकी हमारी, अभी और ऊपर जाना है, चलते हैं जी ऊपर। यानी काफ़ी ऊपर आ चुके हम, ये देखिए ये पहाड़ का हद है, थोड़ी सी जगह रह गई है, और यहाँ फिसलन भी बहुत है जी, बारिश हुई थी कल परसों। क्या मंज़र आ रहा है देखने को, इस तरह आ रहा है हम काफ़ी ऊपर आ गए, सारा शहर नज़र आ रहा है यहाँ से तकरीबन। मैंने अल्लाह का नाम लेके जी ऊपर चढ़ा, काफ़ी दूर है नहीं बैठा हुआ, और अब मैं और कज़न जा रहे हैं जी ऊपर। और सामने मेरा ख्याल खेत है, मेरा ख्याल खेत ही लग रहे मुझे, तो टांगे जवाब दे गई हैं जी, अब डर भी लग रहा जी, इस तरह लग रहा पता नहीं कितने ऊपर खड़े हैं हम लोग। और हम लोग ऊपर आए हैं जी, ये देखें हम और ऊपर जा रहे हैं, तो बस हो चुकी है चल चल के, पर आपको दिखाना तो है ही, ऊंचाई पे आ गए हैं तो अब बस हो चुकी है जी चल चल के, चल चल के ये नहीं है। ये सूरज की वजह से जी, अभी सूरज नहीं निकला इसलिए इस तरह लग रहा धुंध है पहाड़ों के साइडों पे, घरों पे पास पर ये धुंध नहीं है, ये वैसे ही जी, मतलब उसके सुनने में आया कि देखने में भी आया कि बहुत बढ़िया, मैं दिखाता हूँ और देखता भी हूँ कि 10-12 फुट है कहते हैं जी, 10 या 12 फुट होगी माशाल्लाह से जी, काफ़ी लंबी कब्र है जी। ये हजरत पीर बाबा अब्दुल शाह की है, दरबार लिखा हुआ ऊपर, तो ये देखें जी, तो सामने से जाकर आपको दिखाता हूँ।
पहाड़ों के दरमियान में कब्र बनी हुई है, मतलब अंदर जाके दरवाज़ा खोला और अंदर जाके जाके देखते हैं जी, और आपको भी दिखाते हैं। ये देखें इतनी लंबी कब्र, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। ये देखें इतनी लंबी माशाल्लाह से कब्र है। लिए आए थे जी देखने स्पेशल इस कब्र की, कि ये जी सहाबा के ज़माने की काफ़ी पुरानी कब्र है, 10 या 12 फुट होगी अंदाज़ा मेरा, पता नहीं मुझे पता कितने फुट है। और जी ये सहाबा के ज़माने की है, 19 अक्टूबर 2010 रोज़ मंगल तमीर हुई थी। मुझे लगा कि ये इस साल में मतलब फौत वफात हुई थी इनकी, पर ये तो बहुत सहाबा के ज़माने के है जी, पीर हैं जी। अल्लाह इनके सदके हम साहब की बख्शिश फरमाए और वालिद साहब की खुसूस बख्शिश फरमाए। शहर बात था जी, तो ये देखें ये ना बहुत पुरानी कब्र है, काफ़ी सहाबा के ज़मानों की है। यहाँ पे वो मेरे मामू बता रहे हैं जी यहाँ पे ना, कि यहाँ पे शहर बात था वो पहले के ज़माने में, जब सहाबा का ज़माना था। मैं यही सोच रहा था पहाड़ी पर किस तरह है वो, मतलब दफन किस तरह किया होगा, तो वो कहते हैं कि सहाबा के ज़माने की है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ लिखा हुआ, मैं आपको बताता भी उसके बारे में। और यहाँ पर रफ टाइल पड़ी है, पता नहीं क्यों पड़ी है। ये है जी दरबार, माशाल्लाह। आप लोग भी दुआ मांग लें और कमेंट में भी आमीन लिखें जी, तो अल्लाह इसके इनके सदके मारे साहब हम साहब की बख्शिश फरमाए। ये मैं कुंडी लगाने लगा हूँ जी, पहले भी कुंडी लगी हुई थी यहाँ पर, पता नहीं कुंडी का मकसद क्या है, समझ नहीं लगी। वैसे सेफ्टी के लिए शायद होगी, इसलिए लगाई होगी जी। तो चलते हैं नीचे, ब्रेक के और क्लच दबा के रखते हैं जी, तो चलते हैं नीचे। तो अब ब्रेक के अपनी मजबूत करके जाना ताकि नीचे ना गिर जाएं जी। पौधों से बच के कंडे भी लगे हुए हैं, कंडे भी काफ़ी जगह पे बजे हैं मुझे, कांटे और कंडे करवाए गायों को चलाने हैं। ऊपर हमने बकरियां भी देखी थी, थोड़ा सा ऊपर हम गए थे ना, वहाँ बकरियाँ भी थी, वो सामने मेरे ख्याल बकरियाँ, ये गायें वगैरह लेके हैं, वो सामने भी हैं जी, वो देखें यहाँ पे लेके आते हैं पहाड़ों पर चलाने के जी। ये हल चलाया हुआ है, ये पता नहीं किस चीज़ के पौधे लगे हुए हैं, उगी हुई है पता नहीं किस चीज़ की, लोगों ने फसल लगाई हुई है पहाड़ पे। हुकूमत की जगह है जी, मैं जगह और कुछ हुकूमत की जगह, ये सारी परे फसल ही उगी हुई है मेरा ख्याल से, ये भी फसल उगी है पता नहीं। मवेशी मैंने पहले भी आपको ऊपर दिखाए थे, बकरियाँ गायें वगैरह चराने लेके आ रहे हैं इस टाइम। ये देखें जी कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं जी बकरी के, घंटियाँ इसलिए लगाई हैं ताकि पता लगता रहे हमारी कहाँ पे जा रही है, अगर मतलब के दूर से आवाज़ आती है ना, क्योंकि आगे पीछे हो जाती है पता नहीं लगता, पहाड़ काफ़ी बड़ा थी। लोग पहुँच चुके हैं नीचे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से, इस तरह लग रहा था गिर जाएंगे, पर अल्लाह का शुक्र है बच बचाव हो गया, गिरे नहीं, क्योंकि पाँव 2-3 दफ़ा फिसला भी है क्योंकि बारिश हुई थी, मिट्टी ना मतलब नरम हुई हुई थी, पाँव फिसला 2-3 बार, मेरा गिरने लगा था पर बच गया। हमें 2 घंटे हो गए तकरीबन, एक मिनट में आपको बताता हूँ टाइम देख के, 7 बजे आए थे अब 9 बज गए जी, पूरे 2 घंटे हो गए हमें। कदम कदम साइकिल पर जा रहा, मैं थक चुका जी, पूरी तरह थक चुका, नहीं लोहानी बाकी सब पैदल आ रहे हैं जी, आपको नाश्ता करने के बाद मिलते हैं। मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, हवा भी जा रही है और इस तरह बारिश आएगी, बादल भी काफ़ी बने हुए हैं, हवा चल रही है जी बहुत ठंडी, और ये देखें दरख्त भी हिल रहे हैं, बारिश आएगी मेरा ख्याल से तो जी, आने लगा दरख्त से और आपको तार करके दिखाता हूँ, बनाएंगे भी क्या में कुछ कच्चे हैं जैसा खत है बहुत, ये तो मैं यही शेड पे खड़ा हूँ जी, डर भी लग रहा है। ये देखें जी नरम नरम उतार रहा हूँ, ये भी नरम है, देखें जी माशाल्लाह, टोकरी भर ली हमने अमरूदों की, काफ़ी ज़्यादा अमरूद तोड़े हैं, मेहनत बड़ी होती है जी, अमरूद नीचे भी गिरे।